हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ। जी हाँ गाइस, तो मैं विदेश जा रही हूँ। जैसे सचिन आपको एक पासपोर्ट दिखा के विदेश चला गया था, तो ये देख सकते हैं मेरे पास 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने मेरे पास पासपोर्ट है, पर मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ऊपर में 3 ही था। तो मैं तीनों पासपोर्ट के साथ जा रही हूँ विदेश। तो ठीक है गाइस, अभी विदेश से जाके फिर आके आपको मिलती हूँ। छू गाइस, मैं विदेश चली गई और विदेश से रिटर्न भी आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हूँ गाइस मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए विदेश चले चलते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। चलिए छोड़िए गाइस, अभी विदेश नहीं, विदेश जा रहे हैं, बाद में जाएंगे। थोड़ा वीडियो बना ले, उसके बाद विदेश चलते हैं। विदेश का बैकग्राउंड जो होता है ना, ये वाला बैकग्राउंड चेंज करके हम अपना दूसरा रूम में बनाएंगे, तब समझ जाइएगा हम विदेश चले गए हैं। ठीक है, यही हो रहा है। आप लोगों ने कल मनीषा का लाइव देखा, अभी तक तो हमने सीखा का एक पहलू देखा है गाइस। और मैं सचिन मनीषा का सपोर्ट करती थी, सचिन का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सचिन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और गाइस मेरे लिए, सचिन जी के लिए ओपन चैलेंज है। सचिन जी एक सेकेंड, हमारा एड्रेसवा मत दिख जाए। तो गाइस ये हम हैं, आप लोग पहचान लीजिए, ये हमारा पासपोर्ट का फोटो है, देख सकते हैं पूजा राव। ठीक है, एक चीज दिखाते हैं, हटा देते हैं सब। गाइस विदेश जाने के लिए ना आपको ऐसा मोहर चाहिए, ये देखिए हमारे सारे पासपोर्ट पर आप देख सकते हैं कितना जगह मोहर लगा है। तो जब भी आप विदेश जाते हैं ना, तभी आपके पासपोर्ट पे ऐसा मोहर लगता है, अभी कभी भी मोहर नहीं लग सकता है। तो इतने सारे मोहर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने जगह विदेश जा चुके हैं, ये जितना स्टैम्प है ना। और हमारा तो कुछ ऐसा कंडीशन है गाइस कि हम एक दिन में देख लीजिए कितना बार विदेश जाते हैं। आप डेट के संग देख लीजिएगा, थोड़ा जूम जूम करके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ हमको दिखाने नहीं आता है गाइस, तो क्योंकि हम एक दिन में विदेश जाकर एक दिन में नहीं आते थे गाइस। देखिए आप, हमको एक्सपीरियंस है। तो ये मोहर ना आप कल के डेट में सचिन जी दिखा दे गाइस, सचिन बोले हाँ हाँ हाँ। एक चीज़, 3 को फ़ोन भी लेके गए थे सचिन, तो हम भी सोचे कि हम भी 3 को फ़ोन लेके जाएंगे। आप लोगों का लगा हमारे पास 3 को फ़ोन वो नहीं है, हमारे पास 5 को फ़ोन है, देख लीजिए 1, 2, 3। लेकिन दिखाना किसका गाइस, दिखाना क्या चीज़ का। अब हम बात करते हैं गाइस, अभी तक तो आपने देखा कि सचिन, देखिए गाइस मैं यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था ना, मैं सचिन मनीषा के साथ थी, सचिन के साथ नहीं थी, मनीषा के साथ थी कि मनीषा। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो आपको दिख रहा है, अभी तक हमको लग रहा है ना कि हम लोग सोशल मीडिया पर ना सिक्के के सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, जो एक औरत को ना बदनाम किया गया है, एक औरत के बारे में। और उनकी जो पत्नी जी हैं, आपने देखा मनीषा जी लाइव आई और उन्होंने अपने पति को माफ़ कर दिया, सारी की सारी गलती उस औरत को है। औरत ने जादू टोना, ये मैं नहीं मान सकती गाइस, कभी भी नहीं मान सकती हूँ कि एक औरत जादू टोना करती होगी। हाँ, इन दोनों का निब्बा निब्बी वाला प्यार था, ये भी सही। लेकिन सचिन ने झूठ क्यों बोला कि हम विदेश में हैं, मैं बताती हूँ। वो विदेश गए थे ना गाइस, हम भी पीछे से गए थे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे, वो आगे आगे। हम सोचे वो दुबई जा रहे हो, तो हम इसे दुबई का टिकट कटा लिया। हम सोचे ना वो बैंकॉक जाएगा, बैंकॉक का टिकट कटा लिया। हम सोचे वो सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर का भी गाइस। लेकिन तीनों में से कहीं भी नहीं था सचिन। और भी चाहिएगा तो हम 10 पासपोर्ट अपना दिखा सकते हैं गाइस। हम अपने हस्बैंड के संग ना बहुत जगह घूमे हैं, तो इसीलिए हमारे पूरा ये देख सकते हैं, पूरा किताब भर गया है, और भी बहुत सारा है, इतना है मेरे पास पासपोर्ट। चैलेंज है, दिखा सकती हूँ। तो गाइस सारे पेज में ठप्पा लगा हुआ है। तो गाइस इन्होंने, सचिन ने बोला कि हम विदेश चले गए हैं, जो वो विदेश नहीं गए थे गाइस, वो मनीषा को छोड़ के ही गए थे और वो भोपाल गए थे। कोई माने तो, कोई नहीं माने तो आपकी मर्जी। दूसरी बात कि गाइस इन्होंने उस समय तक वो मनीषा को धोखा दे रहे थे, मनीषा सतर्क हो जाओ, जागो मनीषा जागो, मैंने बार बार बोला है मनीषा सतर्क हो जाओ। लेकिन मनीषा सोशल मीडिया पर आती हैं और वो अपने पति के गुण गाती हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। तो गाइस कुछ ऐसा ही कंडीशन है मनीषा जी का, और वो अपने पति को भला है बुरा है जैसा भी है, उनका पति उनका है, कोई छीन नहीं सकती, अगर चीर के बीच में से चीर देगी गाइस। पहले तो इधर उधर कहीं से नहीं चीर पाती थी, लेकिन अब मनीषा ना बीच में से चीर देगी, चलो हमें भी माने गाइस। ये जो सोशल मीडिया पर जो प्रपंच रचा गया है, मुझे सचिन पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, तभी भी बोल रही हूँ, मनीषा को मानना है तो माने, नहीं मानना है मत माने। सचिन मनीषा का नहीं है, उसके दिल में जगह दीदी के लिए प्यार है, और कल तक वो कोशिश किया है जगह दीदी को मनाने के लिए। पर गाइस पास जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, ये पासपोर्ट वाला और ब्लडी चड्डी बड्डी का भी सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग जो चड्डी में खून का दाग है ना, आज हम पता कर लिए। कल तो हम बोलते बवासीर का है ना, कि नेहा जी का पीरियड सचिन को आ गया था, वो नहीं, और भी बड़ी बड़ी खुलासे होने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो वीडियो में बने रही। हाँ, तो जो मनीषा ने आज लाइव आई, कल आप देखे होंगे कि लाइव आई थी, कल हम वीडियो नहीं बनाए गए,
और लाई भाई सचिन की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, और वो जो जगत दीदी हैं गंदी हैं बुरी हैं सब कुछ है। लेकिन ये गाइस एक बात बताइए इनको, इनकी माँ क्यों घर छोड़ के जा रही थी अप्सरा आंटी, क्योंकि गाइस ये मनीषा को छोड़ के जा चुके थे, इन्होंने लास्ट तक कोशिश किया है। और अभी आप दिमाग लगाइए, अगर जगत दीदी हाँ बोल देती ना तो वो मनीषा का नहीं होता, तो जो बोली ना हम बीच में से चिड़ देंगे फाड़ देंगे, नहीं अभी जगत दीदी सही स्टैंड ली है। अगर जगत दीदी अभी हाँ बोल दे तो आप माने या ना माने मेरी बात, ये सचिन जी उनका हो जाएंगे, जिनको मानना है माने नहीं तो अभी आप लोग ना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आके ना अच्छे अच्छे मत बनिए, नहीं तो जगत दीदी का मूड फिर गया तो फिर आपके पति उनके चले जाएंगे, तो इतना चिल्लाने धड़काने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक हो जाएंगी, आप माफ़ी करेंगी, सचिन को तो पता ही था कि आप उनको माफ़ कर देंगी और इतना जल्दी माफ़ कर देंगी, ये तो हम लोग को भी नहीं पता था, हमको तो पता था आप माफ़ कर देंगे, हम शुरू से ही बोल रहे जो भी है। लेकिन इतना ना बीच में चिरने फाड़ने का बात मत कीजिए मनीषा, ये मनीषा हम तुम्हारे तरफ हैं, इतना बात मत करो, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया ये देख चुका है कि तुम्हारे पति ना जगत दीदी के फैन है। ए आप लोग ना मेरा वीडियो जगत दीदी के पास मत शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो जगत दीदी का जहाँ मूड घूमा एक बार फ़ोन करेगी, जगत दीदी सचिन मुझे दुबई जाना है, मेरी जान जानू, मैं आपका चरण धो के पीना चाहती हूँ, मुझसे जो गलती हो गया है माफ़ कर दीजिए, तो ये मनीषा को छोड़ कर चले जाएंगे। तो मनीषा के जितने शुभचिंतक हैं ना, आप ज़्यादा ना जगत दीदी को गाली मत दीजिए, आप ही लोग बताइए ये जो भी सोशल मीडिया। हाँ 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 सचिन क्या बोले कि हम इस 2 दिन में ना जितना खर्चा किए 70,000 का टिकट लेके गए हैं। गाइस एक बात बताइए, परसों आप लाइव देखे थे इनका, परसों कल रात में नहीं, परसों रात में, परसों रात से गाइस उनका ना 3-4 दिन से एक ही वो टी शर्ट हुआ, विदेश से 70,000 का टिकट लगा के आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वो टी शर्ट चेंज नहीं कर रहे, कितने कंजूस हैं। इसीलिए ना चड्डी हम बोल देते ना, वो चड्डी सचिन का नहीं हो सकता, 4 दिन से वो कपड़ा जो इंसान पहनेगा उतना साफा चड्डी वड्डी पहनेगा, वो किसी और का चड्डी था, उसका फोटो खींच के भेज दिया था, ठीक है। अब बात तो यही हुआ था गाइस, उनका पीरियड ना इनको आ गया था, हम कंफर्म कर लिए हैं, मेरे व्यूवर्स ना कुछ डॉक्टर हैं दिल के डॉक्टर लोग, वो लोग हमको कमेंट करके बोले हैं जब कोई ज़्यादा किसी से प्यार करता है ना तो उस लड़की का पीरियड इनको आ जाता, किसी को बताइएगा लोग नहीं, एकदम मत बताना औरत लोग। और हम तो विदेश जा रहे हैं गाइस, आज हम सोचे थे कि हम 3-3 को टिकट ले कहाँ जाएँ, समझ नहीं पा रहे, दुबई जाएँ कि सिंगापुर जाएं कि हांगकांग जाएं, आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिए कि हम कहाँ जाएंगे। गाइस हम देखिए ना, हम तैयार वार होकर बैठे कैसे लग रहे हैं, कमेंट कीजिए जरूर बताइए। और सिक्का का ना गाइस दूसरा पहलू किसी को नहीं दिख रहा है, ये मनीषा जो कल आकर लाइव में चिल्ला रही हैं तू क्या तेरे को बीच में से फाड़ दूंगी, अभी भी औरत सारा ना टारगेट एकदम जगत दीदी को किया जा रहा है, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा ये जो सोशल मीडिया पर ना जो हंगामा हुआ इतना हुआ, क्या इसमें किसने क्या खोया गाइस, मैं बताती हूँ, जगत दीदी ने इज्जत खो दिया, जगत दीदी ने अपने भाई भाभी को खो दिया, जगत दीदी ने अपने माँ बाप को खो दिया, जगत दीदी ने ना महल, ये महल नहीं वो महल जी के दिल में इज्जत खो दिया, उनके महल जी भी बेचारा स्टोरी लगा कर बड़े परेशान हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि समझ में नहीं आता। अगर यूट्यूबर ए महल जी इधर सुनिए, हम औरत लोग को सलाह देते दे रहे हैं कल से कि अगर तुम लोग घर में कोई सुंदर औरत आए ना तुमसे सुंदर पड़ोसन या कोई दाल चावल मांगने तो उसको बाहर से ही दाल चावल दे के हटा देने तो पति पर नजर, उसी तरह आपको भी एक सलाह दे, यूट्यूबर लोग से शादी मत कीजिए नहीं तो आपको ऐसे 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 वो नचा देगा सब डॉलर। देखिए नहीं आप सगाई किए 15 लाख रुपया कमा ली तो यूट्यूब पर ना सब डॉलर का कमाल है और किसी चीज़ का कमाल नहीं है। एक औरत को अगर यही इनको करना था ना तो ये चाहते तो सोशल मीडिया के पीठ पीछे ये सब कुछ परपंच खत्म हो जाता, लेकिन नहीं गाइस सारा वीडियो इन लोगों का ना थिंकिंग है, सोच के रखा गया कहाँ पर कौन सा तीर मारना है और कहाँ पर नहीं मारना है। मैं सच्ची मनीषा के साथ थी हूँ और रहूँगी इस चीज़ के लिए कि मनीषा को अपने पति को दूसरे औरत से छीन के लाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि एक औरत ही गलत है, आपके पति माफ़ी मांग लिए तो सही हो गए, नहीं आपके पति सही नहीं है। और अभी भी मैं बोल रही हूँ ज़्यादा, आप भी मनीषा को लिए भी बोल रही हूँ ज़्यादा ना, मेरी बातें अगर आपको समझ में आती है, मनीषा जी के जितने सपोर्टर्स देख रहे हो मुझे, आप लोग को भी मेरी बातें समझ में आती है ना, तो ज़्यादा जगत दीदी का ना गुणगान बुराई गाली गलौज मत किया करो, जगत दीदी को भी अब जीने दो, क्योंकि ये तो पति पत्नी एक हो गए, वो तो गई पहले भी गई अभी भी गई, जो शादियों करने वाली थी वहाँ भी गई, अगर जहाँ उनका मूड फिरा शादी टूटा
तो मूड फिर आपकी मनीषा अकेली हो जाएंगी। ये तो लिख के ले लीजिए आप। वो कभी भी सच्ची ना, अभी भी वो चाह रहे थे और वो इंडिया के बाहर नहीं गए थे गाइस, वो इंडिया में ही थे। अब उनके ऊपर हो गया है केस, जगत दीदी ने किया है केस, तो सबूत है, सबूत है, सबूत है, सब सबूत है गाइस। तो कोर्ट जज मजिस्ट्रेट के पास आप लोग क्यों जाते हैं जब सब सबूत आपके पास? तो मनीषा लाओ सबूत, प्रूफ कर दो, सबूत है ही सबूत है, वो सबूत है, इतना दिन से चुप थी, अब निकली है तो सबूत है, सबूत है, सबूत है। अच्छा लगा लेकिन आपको अपना पति को नहीं सर, और अब पति जी को कहाँ से दिल में लग गया है इसके, मनीषा से शादी करेंगे। कल निशा लंबा आकर बोल क्या दी, बस अब इनको अपने पति से, पत्नी से दोबारा, ये तो अरमान मलिक का फॉर्मूला अपना रहे हैं। और शादी भी करेंगे, हल्दी होगा, मटकोर होगा, फिर शादी में बवाल होगा, ये रिश्तेदार का मुँह फूलेगा, वो रिश्तेदार का मुँह फूलेगा, फिर वीडियो में व्यू पर व्यू, व्यू पर व्यू, तो मतलब ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होने वाली है। और इस पर ना मुझे, मैं सच में बोल रही हूँ गाइस, अप्सरा आंटी के लिए मैं शुरू से ही आप लोगों को बोली हूँ कि बहुत स्ट्रांग लेडी हैं और मैंने उनका तारीफ किया है। इस पूरा जर्नी में उनका आंसू मुझे ना बिल्कुल रियल लगा, उनका रोते हुए देखकर मैं रोई हूँ। मनीषा के साथ मैं पूरा ही थी, लेकिन मनीषा जो अभी कर रही है ना कि एक जगह दीदी की गलती, जगह दीदी की, जगह दीदी, जगह, ऐसा आप मत कीजिए, मैं सही बोल रही हूँ। मैं ना जो अनुमान लगाती हूँ और जो बोलती हूँ ना सही बोलती हूँ। तो अगर जगह दीदी का मूड घूम गया तो आपके पति वहाँ चले जाएंगे। सचिन पे भरोसा मत कीजिए, सचिन भरोसा के लायक नहीं है, मैं ही बोलूंगी। मैं पहले सारे रिएक्शन वाले ने सचिन के अपोजिट में बोलती थी, तो भी मैं सचिन के सपोर्ट में बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो सही है। लेकिन इस बार जो सचिन ने किया है ना, सचिन का ही प्यार ज्यादा दिख रहा था, जगत दीदी का भी दिख रहा था। लेकिन मेरा एक अभी भी एक ही बात बोलना है कि वो तो एक औरत थी, वो विधवा थी, वो चाहेगी कि मेरा जो सामने वाला लाइफ पार्टनर हो ना अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन सचिन के पास तो एक वाइफ थी, सचिन के पास हंसता खेलता परिवार था, वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसके अगर कोई औरत डोरे डाल रही है, देखिए गाइस आप लोग किसी के भी पति के ऊपर डोरे डाल रही है तो पति को भी तो सोचना चाहिए ना कि मेरी पत्नी है। एक औरत के लिए सारे लोग, सारे रिएक्शन वाले, सब कुछ, सारे यूट्यूबर, सभी लोग गलत बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है, लेकिन सचिन भी उतना ही जिम्मेवार है। और सचिन ना वो मनीषा को छोड़ के ही गया था, तभी सारे लोग, आंटी भी रिटर्न घर जा रही थी। और आज का वीडियो आप आंटी का देखिएगा, अभी सब लोग थोड़ा खुश है। लेकिन जो अब मैं बार बार बोल रही हूँ, सारे सोशल मीडिया में बोल रही हूँ, जगत दीदी को लेकर ना ज़्यादा कुछ आप लोग बुराई करेंगे और जगत दीदी का माथा फिरेगा तो आपको पता है ना क्या होगा। हम लोग को क्या गाइस, हम लोग को तो वीडियो बनाना है, अच्छा ही होगा जो होगा, लेकिन बहुत गलत होगा। तो आप लोग ना संभल जाइए और चलिए गाइस दुबई में मिलती हूँ आपसे। चलिए 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 दुबई चलते, दुबई की सिंगापुर, सिंगापुर चलते हैं। ओके गाइस, हे गाइस, तो मैं अभी सिंगापुर में आ चुकी हूँ, एक सेकेंड। हे गाइस, तो अभी मैं दुबई आ गई, अगर यहाँ से वीडियो बनाऊँ तो पता नहीं कहाँ लंदन आ गई। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ से वीडियो बनाती हूँ। पासपोर्ट क्योंकि मेरे पास है, और जब जिसके पास पासपोर्ट है वो दुबई जा सकता है, बैंकॉक जा सकता है, सिंगापुर, और यहाँ बैठ गई तो मैं अमेरिका आ गई। अब आप लोग सोच लीजिएगा, हाँ, इस पासपोर्ट को दिखा के लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाय बाय, टाटा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।